अरे यार, कितने दिनों बाद लाइव आ रहे हैं अपन। अलग सी फील आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं खुद से बातें कर रहा हूँ, सेल्फी वाले मूड में। मतलब बातें करने की वो आदत ही छूट गई ऐसे तो यार। लाइव चैट में काम चोर विराज कह रहे हैं हेलो। हेलो भाई विराज भाई, उसकी ढिंगली। वाह यार, बहुत प्यारा नाम है तेरा। हीना खान हाय, हाय भट्टर, नंदनी हेलो, रुतु हाय, हीनल सच, ओनली मोहित 07 हाय। वाह, आप ओनली मोहित, मैं मोहित, माही सैनी हाय, अहाना नेगी। यार कितना गंदा जोक था, लेकिन ये वाला मैंने जो अभी मारा पीजे, ऐसे रियलाइज हुआ मुझे बोलने के बाद। हाय द वर्ल्ड, हेलो महेश नैतम, दीपक सिंह कह रहे हैं हम है ना ब्रो आपके साथ बात करने के लिए। हाँ ब्रो। अरे यार, लेकिन बहुत टाइम बाद अपन ऐसे लाइव चैट कर रहे हैं ना, और मैं भी बहुत टाइम बाद ही कर रहा हूँ, तो मुझे ना ऐसी फील आ रही है कि बस अपनी, खैर अब तो नहीं, अब तो तुम सब स्टार्ट हो गए हो आने, तो अब वापस से पुरानी यादें आ रही हैं मुझे कि कैसे हम बातें किया करते थे। कनक प्रसाद हेलो मोहित, हेलो कनक, हाय दास पूजा, थैंक यू पूजा, माही सैनी कह रही है आपकी वॉइस। अरे यार, चेंज होती रहती है। अभी मेरा मतलब गला फिर भी थोड़ा सा ठीक है, फिर चेंज हो जाती है, ऐसा होता रहता अपने साथ में हाथ से। स्वागत कुमार साहू हेलो, स्वागत सोना पाराशर, आपका कोई सॉन्ग क्यों नहीं आ रहा? अपना सॉन्ग इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था अपन सबको, आप सबको भी और मुझे भी। और अब नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला, उसके बारे में बाद में बात करेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले आ जाओ, वेलकम कर लेते हैं एक दूसरे का। तो तहे दिल से मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपनी लाइव चैट पे। कितने दिनों बाद यार, कितने दिनों बाद अपन ऐसे बात कर पा रहे हैं, बताओ। हो गया था यार मेरे को थोड़े, मतलब फील कुछ अलग आ रही थी बाकी के दिनों में। थोड़ा सा गाने वाने बना रहा था बहुत सारे अलग अलग तरह के अभी भी। इनफैक्ट अपनी लाइव चैट करने से पहले ना मैं एक सॉन्ग ही बना रहा था अपने, ऐसी फील आ रही थी कुछ अब। लेकिन वो क्योंकि मैंने कॉपीराइट कराना पड़ता है देखो, पहले ऐसे गाना सुनाने से पहले, तो अभी तक मैंने वो कॉपीराइट नहीं करवाया, इसलिए मैं तुमको सुना नहीं सकता, नहीं तो वही सुना देता। लेकिन कौन सा गाना मैं सुनाने वाला तुम सबको जल्दी, उस गाने का नाम और सारी डिटेल्स मैं आपको जल्दी बताऊंगा, लेकिन वो अपना आने वाला नेक्स्ट सॉन्ग है जी। और वो सॉन्ग बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। तो पहले चलो मैं तुमको बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले आप सबका जैसा कि मैंने कहा वेलकम कर देता हूँ। तो हाय विवेक ठाकुरिया, हेलो आयुषी भट्ट चौहान, बेबो हाय, गयू निशु शर्मा प्लीज फिर मुझे से पुकार तू, आई एम आयुषी प्लीज से माय नेम आयुषी, हाय आयुषी। अरे आर के सैगल यूनिक स्टाइल सच्ची, थैंक यू यार भाई। और अरे यार अभी भी वही गाना गुनगुन, मतलब दिमाग में गूंज रहा है मेरे, जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बनाया ना, बहुत अलग सा कुछ है ऐसा। ड्रमर साहिल भाई कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ साहिल भाई, आप कैसे हो? सैम डैम से माई नेम प्लीज, हाय सैम डैम, वी कटारिया हेलो भाई, मिस्टर लॉस्ट बॉय लव यू ब्रदर, लव यू टू भाई। सादिया सेन है कपकेक, है सादिया, पापिया बैद लव यू यार, अरे लव यू टू यार। तो अच्छा आप तुम सब आ गए हो है ना, मतलब पहले ही आ तो गए थे, अभी और ज्यादा आ गए हो। और तो मुझे ना ये बताना था तुम सबको कि अपना नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है जल्दी। हमारा ऑलरेडी शूट हो चुका था उस सॉन्ग का, अपने सितंबर में शूट हो गया था। प्लानिंग कर रहे थे कि अक्टूबर में रिलीज करें, पर कुछ चीज़ों की वजह से डिले हो गई, और अब अपना जो सॉन्ग है वो आने वाला है नवंबर में। नवंबर में किस डेट के अराउंड आएगा उसकी अनाउंसमेंट अपन जल्दी करेंगे, पर अभी ये जो लाइव चैट है कोई अनाउंसमेंट वगैरह करने के लिए नहीं था, ये कोई ऐसे गाने के बारे में बताने के लिए नहीं था। ये वाला लाइव चैट सिर्फ इसलिए था कि अपन यार बहुत दिन हुए थे बातें करे हुए, और मेरी फील आ रही थी कि मैं बातें करूँ तुम सबसे, बस ऐसे ही। जे एस मयक कह रहे हैं बियर्ड बढ़ा लो भाई, अरे नहीं भाई बढ़ाई हुई थी, अभी अपन ने कट कर ली है, तो फील फील की बात है यार।
अभी इंडियन सिंगर्स आईजी, अरे मेरा भाई है पारस, ये बहुत ही शानदार सा पेज चलाता है जिसके सारी पोस्ट वायरल हो चुकी हैं। एक एक तेरी पोस्ट भाई वायरल जाती है यार। पारस भाई मस्त यार। पारस को मैं जयपुर से जानता हूँ। जयपुर में मैंने इनको सुना था सबसे पहले, और मस्त इनका वर्क है बहुत ही शानदार सा। आप सब फॉलो जरूर करना इंडियन सिंगर्स इनके पेज को, ताकि बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स की इनको आप सबको गाने सुनने को मिलेंगे इनके। वैशाली ओके आई कैन वेट फॉर योर सॉन्ग। दीपक कालरा हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं। यार ये दीपक प्यारे आदमी, अलग ही मल्टी टैलेंटेड बंदे। बताओ कैसे हम साथ में शुरुआत करी थी इश्क अनप्लग्ड में, हम दोनों साथ में को एक्टर्स थे। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड का रोल करा था इसने, और अभी भाई क्या क्या कर रहा है भाई तू है दीपक बता। एक्टिंग के साथ में एंकरिंग कर रहा है, रैप लिख रहा है, म्यूजिक वीडियोस बना रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। भाई साहब शानदार है, अलग ही टैलेंटेड है अपना भाई। वंदना माहेश्वरी फेवरेट, बहुत ही सुजाता विदाउट बियर्ड और विद बियर्ड यू ऑलवेज लुकिंग क्यूट फॉर अस। अरे थैंक यू यार। और फील फील की बात है यार, मैं तो कहता हूँ जो इच्छा हो करो, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। मस्त। पर हाँ बस यार मुझे ना बहुत ही ज्यादा फील आ रही थी कि तुम सबसे बात नहीं करी बहुत दिनों से, इसलिए ऐसे। मिस योर सॉन्ग कपकेक प्लीज रिक्वेस्ट वन लाइन। अच्छा अरे यार ठीक है मैं गाता हूँ कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूँ, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूँ, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कपकेक है। और यार मेरी ना इतनी इच्छा करती है ना कि तुम सबको मेरे सारे गाने सुना दूं, पर अभी वो इच्छा थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि अपने मतलब चार पांच ही सॉन्ग्स बने हैं या अपन ने बहुत ही कम सॉन्ग्स लिखे, अपन दिन भर यही करते रहते हैं यार। अपन जैसे मतलब तुम किसी की जॉब होगी, कोई स्टडी कर रहा होगा, तुम सब पढ़ाई करते हो दिन भर, तुम सब अपना वर्क करते हो, मैं पूरे दिन बस यही सोच रहता हूँ, गाने बनाते रहता हूँ और गेम खेलते रहता हूँ। मेरे को गेम्स खेलने का बहुत शौक है, तो ऐसे ही फोन गेम्स वीडियो गेम्स उस तरह के, तो और गाने बनाते रहता हूँ। तो अपने पास यार बहुत सारे गाने हो चुके हैं, और मेरी तो इच्छा करती है किसी दिन ना तुम सबकी सिटीज में एक टूर ऐसे प्लान करें अपन, और जितने भी गाने अनरिलीज हैं वो भी तुम सबको सुना दूँ, जो रिलीज है वो भी सुना दूँ, ऐसा करके बड़ी फील आती है मेरी। लेकिन अभी थोड़ा वेट करते हैं, अभी थोड़ा प्लानिंग के साथ में अच्छे से एक एक प्रॉपर वीडियो म्यूजिक वीडियो टाइप बनाकर हर गाने का अपन लाने वाले हैं। और अभी आने वाला है जल्दी नेक्स्ट सॉन्ग। और तुम सब बताओ यार तुम सब कैसे हो, हैं इतने दिन याद नहीं है मेरी, कैसे हो बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में अभी। अग्रवाल हर्षल कह रहे हैं ओ बड़े दिनों के बाद उन बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, लाइव चैट की नोटिफिकेशन आई है भाई आई है। अरे भाई ये हर्षल जो अग्रवाल जो अपना भाई है ना, ये बहुत ही लाडला है मेरा, और इसको मैं मिला था आईआईटी मुंबई के फेस्ट में, जब मैं पहली बार मुंबई आया था पार्टिसिपेट करने के लिए, और तब मैं इससे मिला था। और भाई साहब तब से हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो चुकी है। नहीं, आईआईटी मुंबई के फेस्ट में नहीं, सॉरी मैं थोड़ा सा वो कर दिया, मैं इस भाई से मिला था जेसीआरसी के फेस्ट में, और अपना भाई है आईआईटी बीएचयू का, और ये अपना जो भाई है वो बहुत ही शानदार टैलेंटेड है ये भी। ये मतलब एक तो टॉपर तो था ही खुद की क्लास का, बहुत इंटेलिजेंट तो था ही, आईआईटी में है तो इंटेलिजेंट तो नहीं है भाई वहां के लोग। और उसके साथ में भाई ने पढ़ाई करते करते खुद की मैथमेटिक्स के ऊपर बुक भी पब्लिश करी थी एज अ राइटर एज अ मैथमेटिशियन, और उसने वो बुक मेरे को सेंड भी करी थी मेरे एड्रेस पे खुद के साइन के साथ में। तो मेरा भाई बहुत टैलेंटेड है यार ये। और डुश डुशर रॉन्ग MIT, नम्रता नैनेस आई लव योर स्माइल सो मच, आई लव योर स्माइल सो मच के लिए थैंक यू। उसके बाद में लिखा भाई नो थैंक यू। अरे चलता है यार जो मर्जी चाहे कहो। लाखों निगाह में दो लाइन गा दो प्लीज। अरे यार लाखों निगाह में की, लाखों है निगाह में
जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां, और होठों में गुलाब है आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहां। अब तुम सब मुझे बताओ, तुम सब कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में यार, बताओ मुझे कुछ शानदार सा। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं तुमको बताता हूँ। देखो तो अभी ना मैं बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन में और ज्यादा मजा आ रहा है मुझे मेडिटेट करने में। 15 साल हो गए मेडिटेट करते हुए, तो अभी इन दिनों तो बहुत ही शानदार अलग सी वाइब चल रही है इसकी। और उसके अलावा मैं गाने तो बन ही रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे, म्यूजिक वीडियोज 2 शूट हो चुके हैं अपने आने वाले सॉन्ग्स के, और बहुत सारे होने बाकी हैं। और उसके अलावा यही चल रहा है। मैं थोड़े दिन पहले अभी जयपुर था यार, जयपुर में अपने दिवाली सेलिब्रेट करी फैमिली के साथ में, थोड़ा एक्स्ट्रा 5 दिन रुक गया, लालच आ गया यार मॉम के हाथ के खाने का और बाकी सबसे मिलने का। और उसके अलावा मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है UFC में, अगर तुम सब देखते हो। नहीं देखते हो, जैसे WWE आता था ना बचपन में अपन देखते थे, तो फिर क्या है मुझे बड़े होकर पता चला कि WWE तो फेक होता है। तो मुझे मार्शल आर्ट्स का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मार्शल आर्ट्स में हमेशा से, तो मैं ना UFC देखने लग गया मेरे छोटे भाई जो मेरा रियल ब्रदर है रोहन, उसके कहने पे। तो UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप ऐसे करके एक आती है चीज, उसमें रियल मार्शल आर्ट्स का मतलब रियल मार्शल आर्ट्स के बेसिस पे फाइटिंग होती है, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो देखना। तो वो भी मैं देख रहा था, अभी थोड़े दिन पहले आई थी कुछ फाइट्स, तो ये सब मैं कर रहा था। और तुम सब बताओ तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे थे तुम इन दिनों, और बताओ यार। अब मैं तुम्हारी तुम्हें सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। और लाइव आओगे कोई मेरे साथ में, मैं देखता हूँ कौन कौन लाइव, जो भी लाइव आना चाहता है लाइव आकर बताओ यार क्या चल रहा है। तो शिवानी नेमा कह रही मोहित योर स्माइल टू गुड, थैंक यू यार। और अभी देखता हूँ कौन कौन लाइव आ सकता है। गो लाइव विद, ठीक है तो अपन एक बार लाइव आते हैं प्रतिज्ञा शर्मा के साथ में। यार ये बड़ा शानदार लगता है ऐसे लाइव जाना, मैं पहली बार ही जा रहा हूँ शायद, पहली या दूसरी बार। हाय प्रतिज्ञा, कैसे हो आप? मैं अच्छी सर, आप कैसे हो मैं एकदम अच्छा हूँ। कहाँ से हो आप? सर? चंडीगढ़ चंडीगढ़ से? से। हाँ अरे वाह यार, मैं चंडीगढ़ थोड़े टाइम पहले आया भी था आपकी कौन यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने के लिए चंडीगढ़ की, फिर मैं भूल गया कौन सी यूनिवर्सिटी थी, भी बहुत टाइम हो गया उस बात को। और बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था वो, वहाँ पे कुछ साउंड की दिक्कतें आ गई थी यार, लेकिन हाँ प्यारे लोग हैं बहुत चंडीगढ़ के, और मैं चंडीगढ़ घूम नहीं पाया खैर अच्छे से, मेरे को घूमना है किसी दिन अभी। और आप बताओ यार आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या करते हो आप अभी? अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ सर, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट और ईयर अभी में एग्जाम, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं क्या? अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। अच्छा एग्जाम चल रहे हैं आपके, क्या क्या सब्जेक्ट है आपके मतलब पढ़ाई का? कॉमर्स, आई हैव कॉमर्स कॉमर्स का। और अभी नेक्स्ट एग्जाम कब है? दिसंबर से फाइनल एग्जाम्स। दिसंबर से फाइनल एग्जाम्स है। वाह आप यार मुझे बताओ, मस्त यार, हाउ मेरे को तो इतनी खुशी होती है आर पता है, कभी कभी ना मुझे सपना मतलब सपना सा ऐसा लगता है, मैं कभी कभार सपने देखता हूँ कि अरे यार कल एग्जाम है क्या, फिर याद आता है अपना अपना कॉलेज कब का पूरा हो गया है, अब भाड़ में जाए ये सारी चीजें। बड़े डरावने सपने आते हैं मुझे इस तरह के कि असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ है, और है ना अटेंडेंस क्वेरी कंप्लीट नहीं है, फिर एकदम से रियलाइज होता है सपना टूटने के बाद में कि ये सारी तो गुजरी बातें हैं, अब मुझे तुझे इन बातों की टेंशन नहीं लेनी है। आपके सपने सर हमारी हकीकत है। हम सच में सुबह उठते तो यही होता है कि असाइनमेंट पूरी नहीं है। हाँ अरे यार तुम्हारे वहां भी अटेंडेंस का पंगा है क्या? जी, अरे कितनी अटेंडेंस चाहिए होती है? 75% इतने मार्क्स नहीं सेवेंटी चाहिए होते जितने चाहिए क्या? होती है, इतने मार्क्स नहीं चाहिए होते जितनी अटेंडेंस चाहिए होती है। यू नीड अच्छा 60% मार्क्स एंड 75% अटेंडेंस। और आपकी अटेंडेंस अभी कितनी चल रही है? अब सर बहुत दूर चल रही है, मेरी पहुंच से बहुत आगे है, अरे तो फिर कैसे कंप्लीट करेंगे अपन ये वाला टारगेट गिड़गिड़ा के गिड़ भीख गिड़ा मांग के। के? आप इस सेमेस्टर में दे दो, अगले सेमेस्टर आई कवर अप।
प्रॉमिस। अरे यार सेम सेम यही हाल होता था हम सबका भी। और यार किस्मत से ना मेरी एक बार भी अटेंडेंस की वजह से मेरी वाट नहीं लगी, लेकिन हाँ मैं कंप्यूटर्स में बहुत ही बेकार था। कंप्यूटर सब्जेक्ट मुझे अभी भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, मैं तो पैदा सर तब से मुझे कंप्यूटर नहीं समझ में आया, और मैं है ना। समझने की कोशिश की। अजीब सा वाह सब्जेक्ट है, ना पिक्चर्स होती हैं और ना ही राइम्स होती हैं, ना मेटाफर होता है, कुछ भी नहीं होता। क्या बात कर रहे हो। तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा था बचपन में? इंग्लिश अभी मेरा भी आई लव इंग्लिश, इट। मेरा इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि मेरे को उसमें स्टोरीज और है ना वो होती थी ना स्टोरीज और पोएट्रीज, वो पढ़ना बड़ा ही पसंद था। तुम्हें भी स्टोरीज पोएट्रीज पसंद थी क्या? मैंने जो बुक्स में टेक्स्ट लिखा होता है ना, उसमें वो सिमिलर वर्ड्स यूज ढूंढती हूँ जो गानों में बने होते हैं। अच्छा वाह यार ये इंटरेस्टिंग हॉबी एकदम ही। ना अच्छा, इससे स्टोरीज भी याद रह जाती हैं, चैप्टर्स भी याद है, इवन लाइन टू लाइन याद रहते हैं। अच्छा अरे यार ये तो बहुत ही शानदार बात है। आपका नाम प्रगति है ना? प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, सॉरी वो क्या है लाइव में ऐसे दिख नहीं पाता है, तो है ना प्रतिज्ञा अपन वापस से जल्दी बात करते हैं। और अब मेरी इच्छा होगी मैं और भी लोगों को लाइव लूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अरे वाह थैंक यार कितना यू, प्रोफेशनल साउंड कर रहा है ना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अरे फिर अपन है ना जल्दी आता हूँ चंडीगढ़ और आप वापस से आना कोई शो देखने के लिए फिर। ठीक है सर इस बार आपको पूरा चंडीगढ़ घुमाएंगे। ओके ठीक है प्रतिज्ञा, ओके बाय। बाय। चलो अब कौन लाइव आएगा, अब कौन है नेक्स्ट अपना शिकार। यार ये तो बहुत ही फन चीज है यार, बताओ मतलब दो लोग बात कर रहे होते हैं और नीचे मस्त कमेंट की बारिश हो रखी होती है, मजा ही आ गया यार। ये तो अपन को ज्यादा बार करना चाहिए यार, मेरे तो पता ही नहीं था इतना फन होता है ये। रुको अपन वापस से लाइव जाते हैं अब किसी के साथ में। पापौरी रानी कह रहे हैं हेलो मोहित जस्ट टेक माय नेम, हाय रानी। और किशन पांड्या पीके मी अनीशा आई एम बिग फैन ऑफ योर, थैंक यू। तो अब देखते हैं अपन कौन लाइव आएंगे साथ में। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। नन्ना मेरी जा देखो जाना ना वहां। विवेक संजय सोनार को अपन लाइव लेते हैं। विवेक संजय सोनार यार ऐसे नहीं होता था बचपन में, मतलब ऐसे मैं क्या रेडियो बहुत सुनता था, तो है ना रेडियो पर ऐसे ही होता था कि आप लाइव ले सकते हो किसी को और कॉलर्स करते थे ऐसे रेडियो पे। हाय विवेक कैसे हो? हेलो मोहित भाई, कैसे हो? मैं मजे में हूँ। एकदम शानदार। वो आपके मॉम है वहां पे? नहीं नहीं सिस्टर है, सिस्टर है। अच्छा मैं आपसे मिलने के हाय। लिए सोशल में आया था, लेकिन आपसे मिल नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं ब्रो, अपना मुंबई में 23 नवंबर को शो हो रहा है सिन सिटी अंधेरी अंधेरी वेस्ट में, तो आप वहां पे जरूर ओके आना। ओके, जरूर आऊंगा। क्या बात है मुझे विवेक आप भाई यार, बताओ गाना अपन बोल, सोशल क्या। कृष्णा से कह दूंगी वाला गाना। आपकी आवाज आवाज कट रही है। कृष्णा से जाके कह दूंगी सॉन्ग आपको पसंद है? आप गा सकते हो? आप अरे आप क्या गा सकते हो थोड़ा? बिल्कुल गा सकते हैं आप, आपके लिए। कृष्णा से जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया मोरे सैया, कान्हा को जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया मोरे सैया। माँ कहती रे पगली रे मिलते ना वो ठगती रे, दुनिया उसके नाम पे करती है काले काम रे उस माया नगरी में, और धुरते है सारी नगरी रे बाबा पहन के असली रे चोगा फिरते नकली दिल और काले मन की पोटली उस माया नगरी में। रख लेंगे मेरा पूरा ध्यान रे वो है मोरे सैया, वारी हूं मैं तन मन और जान रे
वो है मोरे सैया, मोरे सैया। थैंक यू सो मच। योर मोस्ट वेलकम। और ये यार, ये मेरा ना खुद का सबसे फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है। मतलब ये सॉन्ग ना मेरे मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये सॉन्ग पसंद आया? जनरली क्या है, जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि है ना आपको मेरे कौन से सॉरी कि आपको मेरे कौन से सॉन्ग्स पसंद हैं, तो ज्यादातर लोग फिर मुझे दिल से पुकार तू या कपकेक कहते हैं। तो लेकिन Okay. पर्सनली मेरा मैं इन सब एक आया था वो मुझे बाद में, मैंने ये अभी मतलब हार्डली 1 या 2 months पहले ये गाना सुना, तो मैं कितने दिन तक ये गाना सुनते सोती थी। यार, और ये मैं, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि पर्सनली ना मेरा सबसे फेवरेट गानों में से एक कृष्णा से जाके कह दूंगी है। मतलब इसमें जो वो बात कहते हैं ना, एक माँ और बेटी की जो कॉन्वर्जेशन चलती है बैक एंड फोर्थ, वो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपको ये सॉन्ग अच्छा लगता है, इसलिए तो थैंक यू सो मच विवेक। और मुग्धा आपका नाम क्या है? मुग्धा। तो विवेक और मुग्धा, थैंक यू सो मच लाइव पे आने के लिए। और अगर आप दोनों आ सको तो 23 नवंबर को सिन सिटी अंधेरी वेस्ट में अपना शो है, तो मैं वहां पे आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। और वहां पे मैं ओके लाइव ओके अपन तीनों को जरूर आओ। कृष्णा से जाके कह दूंगी साथ में। यस यस चलो थैंक यू। आपसे बात करके बाय बहुत अच्छा बाय लगा। बाय बाय। बाय। यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, ये तो कितनी ज्यादा मस्त बात है कि अपन ऐसे बात कर सकते हैं। बताओ जैसे स्काइप पे क्या करते थे, या व्हाट्सएप पे जो वीडियो कॉल होती है, या फेसबुक पे जो वीडियो कॉल होती है, वैसे अपन सब भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज है यार। तो अब ना, अब अपना टाइम हो गया है जाने का। अभी मैं जाऊंगा और खाऊंगा, क्योंकि मेरे को लग रही है थोड़ी सी भूख। और फिर से अपन वापस से करते हैं यार। मतलब मुझे तो बिल्कुल रियलाइज ही आज ही हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कहते हैं कि कुछ एनलाइटमेंट हो गई हो, ये तो एनलाइटमेंट सी हो गई कि यार लाइव चैट तो बहुत ही ज्यादा फन चीज है, और इसको अपन वापस से करते हैं, और वापस से एक दूसरे के साथ में ऐसी लाइव चैट करते हैं। क्या बोलते हो? तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम लाइव चैट होगी, मैं तुमको जरूर पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। और फिर अपन मिलते हैं। अगर तुम मुंबई में हो तो 23 नवंबर को अपना शो हो रहा है, वहां पे आ जाना आप लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए। और वहां उस वाले शो में जो अपना नया आने वाला सॉन्ग है, जो म्यूजिक वीडियो अपन ने शूट किया था शिमला में, वो नया वाला सॉन्ग भी मैं वहां पे शायद तक गाऊंगा आप सबके लिए। तो नहीं भी गाऊं तो कोई बात नहीं, वो सॉन्ग तो आने वाला है वैसे भी। और अपन जल्दी ही मिलते हैं। और थैंक यू यार वापस से लाइव लाइव चैट पे आने के लिए। और फिर से मिलते हैं, बातें करते हैं जल्दी ही। बाय, टेक केयर।